वाह भाई, आज के इस कैंप का मकसद क्या है? हमारे कैंप लाने का मकसद ये है, कोरोना जैसी बीमारी बहुत तेज़ी जैसे हमारे देश में बढ़ रही है दिल्ली में, तो बहुत ही ज़्यादा रेड अलर्ट होने को भी तैयार है, इसलिए हमने देखते हुए ये कैंप लगाया है वैक्सीन का फ्री कैंप। ये हम कम से कम 15 दिन लगाएंगे और एक हफ्ते बाद बच्चों की भी वैक्सीन लगाएंगे। तो मेन मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवा लें ताकि बीमारी से बच रहे, क्योंकि ये बीमारी ख़तरनाक है, कोरोना जैसी बीमारी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ओखला में तो और भी सरकारी कैंप चल रहे हैं, तो फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी? नहीं, कैंप तो चल रहे हैं, 2-3 और भी चल रहे हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा। तो हमारे पास पहले डिमांड आई थी कि आप अपने यहाँ लगवा लीजिए, काफ़ी लोग लगवाने वाले हैं, तो इसलिए हमने अपने यहाँ लगवाया। वार्ड नंबर 102 की बात करें, इसमें आप भावी कैंडिडेट भी हैं, क्या आपको लगता है मतलब कि यहाँ डेवलपमेंट का काम हुआ है पिछले 5 सालों में? नहीं हुआ है? नहीं, देखिए डेवलपमेंट तो होना चाहिए था, लेकिन ये कर नहीं पाए क्योंकि आप पार्टी का MLA है और आप पार्टी का ही काउंसलर है। जैसे ये स्पीचें देते हैं हर जगह कि ये दोनों अगर एक ही पार्टी के होंगे तो काम बहुत होगा, इस हिसाब से कोई काम नहीं हो पाया। और वार्ड नंबर 102 में तो कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया, कोई काम नहीं हो पाया। यहाँ के लोगों की क्या क्या समस्याएँ हैं? आप यहाँ के लोगों की कई समस्याएं हैं, जैसे एक तो ये कूड़े को लेकर तो बहुत परेशान है, इसको इससे तो बहुत बीमारियाँ हो रही हैं, जैसे मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं। तो पहले तो कूड़े को लेकर, दूसरा यहाँ पे कोई बच्चों या आदमियों के लिए कोई लाइब्रेरी नहीं, लाइब्रेरी की बहुत ज़रूरत है। और भी कई समस्याएँ हैं, बहुत बिजली की है, बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ पे है। यहाँ हुआ ही कुछ नहीं, वार्ड 102 में तो कुछ भी तो नहीं हुआ अभी तक, बिल्कुल फेल हो गया यहाँ का पार्षद। और पब्लिक भी चाहती है कि आपके काउंसलर यहाँ का चेंज करेंगे। तो आपको मतलब आप अगर कैंडिडेट बनते हैं तो क्या लगता है किस मुद्दों पर काम करेंगे? नहीं देखिए, मेरे तो 2-3 मुद्दे हैं, अगर मैं कैंडिडेट बना और जीता इलेक्शन तो मैं सबसे पहले तो एक लाइब्रेरी का इंतजाम करूँगा यहाँ, और दूसरा सीनियर सिटीजन वालों के लिए कोई इंतजाम करूँगा, तीसरा कूड़ेदान का सबसे पहले इंतजाम करूँगा मैं।